है वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, अगर हमें वर्तमान में किसी बीमारी से घबराने की आवश्यकता है तो वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आज एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो अधिकांश लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन हार्ट अटैक आने के बाद में हमें ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे मरीज को पैनिक ना हो और वो कंट्रोल अवस्था में आ सके। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि हार्ट अटैक आने के बाद में हमें कौन से एक सहायक रूप कदम उठाने चाहिए जिससे वो पैनिक हो जाते, खुद भी पैनिक होते प्लस मरीज को भी पैनिक कर देते और वो कंट्रोल अवस्था में नहीं ला पाते। इसलिए आपको दोस्तों मैंने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी दी है कि हार्ट अटैक होने के ऐसे मुख्य कारण कौन से हैं और हार्ट अटैक होने के जो तत्काल में आपको ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे आप जो अवस्था है उसे कंट्रोल में ला सकते हो। इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना आपके लिए, क्योंकि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड में अगर किसी को भी हार्ट अटैक आता है एकदम से तो आप उसकी किस तरह से हेल्प कर सकोगे तो मैं आपको इस वीडियो को द्वारा समझाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्दी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो जो चैनल के नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब कर, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन दबा के हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए वीडियो को आगे की तरफ ले जाते हैं। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कि जो हार्ट अटैक होता है उसमें किन किन कारणों की वजह से हार्ट अटैक की समस्या हमें सामना करना पड़ता है और उन्हें रोकने के ऐसे तत्काल में कौन से उपाय हैं। सबसे फर्स्ट हम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक शरीर की ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है, अगर वो हाई ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में हो जाता है जिसके कारण से हमारा जो हृदय होता है उसकी धमनियों का संतुलन बिगड़ने लगता है। वो धमनियों का संतुलन बिगड़ने के कारण हमारे हृदय में पेन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, जिससे आप जानते ही होगा जिन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या होगी, जिससे फिर वो हार्ट अटैक की समस्या के शिकार वो होते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड है हाई वेट और रॉन्ग पोस्चर। जो लोग अपने हाई वेट को लेकर, कब हाई वेट हो जाते हैं, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो हमारे हार्ट पे सीधा उसका असर देखने को मिलता है। और आपके जो रॉन्ग पोस्चर है, अगर आप किसी भी उल्टी तरीके से सोते हो, जैसे आप उल्टे नीचे की तरफ मुंह करके सोते हो तो आपका हृदय दब जाता है। वो दबने की वजह से वो प्रॉपर मात्रा में फूल नहीं पाता है, प्रॉपर मात्रा में उसके हृदय की जो धमनियाँ होते वो नहीं धड़क पाता है। इसलिए इन सभी कारणों की वजह से आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब ये तो बात रही कि कौन से मुख्य दो कारण की वजह से आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खास करके सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड को, किसी भी इंसान को अगर हार्ट अटैक होता, अगर आप वहाँ मौजूद हो तो आप उनकी कैसे हेल्प करोगे, तुरंत आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। सबसे फर्स्ट है, या तो अगर आपका कोई भी रिलेटिव है तो आपको सबसे फर्स्ट है एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए। अगर कहीं भी आप मौजूद हो तो हार्ट अटैक मरीज के लिए तुरंत तो एम्बुलेंस का फ़ोन कर दीजिए। सेकंड है, आप डिस्प्रिन नाम की एक गोली आती है मेडिकल स्टोर पे, कहीं भी मिल जाए डिस्प्रिन नाम की एक मेडिकल जो मेडिसिन जो है आपको दिखाई भी दे रही होगी, उसे आपको तुरंत जो हार्ट अटैक का मरीज है उसे आपको देना होगा। अगर वो मरीज इस हालत में नहीं कि टेबलेट को खा सके तो आप पानी में घोल कर भी उस टेबलेट को दे सकते हो। थर्ड आता है दोस्तों ज़बरदस्ती। अगर जैसे जो मरीज है वो खांसने की भी कोशिश से कराए, अगर उसे खांसी नहीं भी आती तब भी वो उसे ज़बरदस्ती खांसने की कोशिश कराए, इससे क्या होगा, उसके खांसने से जो उसके हृदय में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है वो मात्रा तुरंत कम होती है, जिससे उसके पेन में आराम होता है और वो राहत रूप वो उसे सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों चौथा आता है, आपको अगर आपकी जो मरीज है उसकी बीपी कम है, अगर उसका ब्लड प्रेशर कम है तो उसे ज़्यादा पैनिक होने की ना कहे, आप उसे बार बार दिलासा दीजिए कि भाई कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। आप उसे बार बार दिलासा दीजिए, ज़्यादा पैनिक ना होने दे और एक जगह लेटा के रखिए, ज़्यादा उसे पैनिक ना होने दे, ये खास करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब दोस्तों ये तो बात रही कि आपको कौन से कदम खास कर उठाने चाहिए, लेकिन इनमें से मेन कदम कौन सा है, डिस्प्रिन नाम की जो मेडिसिन होती है आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर ले जाके आपका उसे फटाफट सेवन कराना चाहिए, पानी में घोल के या किसी भी तरह से उसका देना चाहिए। अब दोस्तों ये तो बात रही कि आपको किन किन तरह के कारणों से होता है और कौन से कदम उठाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो हार्ट अटैक जैसी बीमारी है आप उसे प्रॉपर मात्रा में बचना चाहते हो, कभी भी आप इस बीमारी का सामना नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप डेली की डाइट करते हो, डाइट में आप जो साधारण सी चीज़ें बस उनका इस्तेमाल करना चाहिए। साधारण सी चीज़ में जैसे कि आता है आपका लहसुन, काली मिर्ची, हल्दी और दालचीनी, इन तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन तरह के आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक एसिड पड़े होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी तेज़ी से कम करते हैं जो आपके हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के अलावा भी अलग अलग तरह के बीमारियों से भी आपके शरीर को दूर रखता है। इसलिए आपको इन तरह के इंग्रेडिएंट्सों का ज़रूर खास करके सेवन करना होगा, अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना होगा। लेकिन आपको खास कर से ध्यान रखना होगा कि आपको फर्स्ट नंबर पर एम्बुलेंस को ज़रूर फ़ोन कर देना, क्योंकि इन सभी कारणों से जो आप कदम उठाओगे इन सभी कारणों से तुरंत के लिए राहत तो मिल जाएगी, लेकिन उसे चिकित्सक के खास करके
आवश्यकता होगी, इसलिए आप एम्बुलेंस को एक मानवता के नाम पर ज़रूर उसे कॉल करके उस व्यक्ति के चाहे फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही बस खड़े मत रहिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो की जानकारी कैसे लगी, अगर वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट लगती है, आपको थोड़ा सा भी लगता है हाँ ये वीडियो में कुछ खास है, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, किसी और की भी मदद हो सके, किसी और तक भी ये खास जानकारी पहुँच सके, ताकि वो किसी और की भी हेल्प कर सके, राह चलता है लोगों की। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, अगर हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।